मेरा नाम लोकेश कुमार रावत है। जी सर, पूरा परिचय दीजिए आपका घर कहाँ है। हम राजस्थान में अजमेर जिले से हैं। जी अजमेर जिले में कौन गांव हुआ। हमारा बिनाई ब्लॉक है जिसमें छोटा सा गांव है हीरापुरा जी गांव, जी आपका थाना कौन सा पड़ता है वहाँ। वही बिनाई ब्लॉक जिला पे पड़ता है। पड़ता है अजमेर जिला हमारा अजमेर जिला है। जिला। जी डॉक्टर साहब, राजस्थान का एक डॉक्टरों का टीम है, कारण हम जो लिए हैं 2500-2500 तो डॉक्टर का लिए हैं, जो टोटल राजस्थान के ही मिला है, जी और सब आप ही के बैच के उम्र के एक उम्र के हैं सब, जी हर एक जगह। मतलब ये आपका जी जी जहाँ जहाँ गए हैं, प्रयागराज पूरा बिहार में हमको लग रहा पूरे है बिहार छाया में से हुआ। मान लीजिए आप 3,000 से ऊपर हम जी राजस्थान जी से हैं। छाया हुआ है पूरा जी राजस्थान का। डॉक्टर साहब, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं अभी, जी ठेंगा ये गांव का नाम क्या है। है ठेंगा। जी, ये कौन सा थाना पड़ता है। ये अभी सकतपुर थाना पड़ता है और वो जी लोग टारडी है। टाटी में पड़ता है। दरअसल इस हॉस्पिटल में, आयुष्मान हॉस्पिटल जो है यहाँ, मान लीजिए यहाँ कितने दिन से आप हैं। मैं यहाँ से जनवरी 2023 से हूँ, लगभग जी डेढ़ जी साल से ऊपर हो गया मुझे। दरअसल यहाँ डेरा कहाँ रखे हैं। ईंट है यहीं पे। हाँ यही रहते हैं, खाना वाना अपने बनाते हैं, अपने जी, खुद बना लेते हैं, नहीं बनाने वाले आते हैं। आता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत या नहीं है, सब फिर कोई खान सान भी सब कोई प्रॉब्लम नहीं आ नहीं, रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, गांव का कोऑपरेशन है आराम हाँ, से। गाँव का पूरा कॉपरेशन है। डॉक्टर साहब, एक चीज बतावे आप कि पर डे कितने लगभग मरीज को आप देखते हैं। लगभग नॉर्मली कम से कम 30-35 तो तीस पेशेंट पैंतीस आए जाते हैं, कभी कभी जी 40 भी हो जी जाते हैं, कभी 70 भी हो जाते आप हैं। तो ठीक लेकिन नहीं, कभी बढ़ता है, कभी बढ़ता है। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन सा इलाज आपके माध्यम से होता है। पहले जब मैं यहाँ आया था जनवरी 2023 से पहले, लगभग कुछ ही दवाइयाँ यहाँ पे मिलती थी गांव वालों को। वो भी सिस्टर जो ANM थी, वो लगभग 2-3 दिन तो टीकाकरण में रहती है, जी सर। सप्ताह में एक दिन वहाँ मीटिंग रहता ब्लॉक पे, जी बाकी 1 या 2 दिन यही हॉस्पिटल खुलता था। जी लेकिन मैंने मेरे आने के बाद में, केवल संडे का हमारा ऑफ रहता है, जी उसके अलावा सोमवार से शनिवार ये जी हॉस्पिटल कंटिन्यू खुलता है। जी और अभी लगभग ऐसे मान लीजिए आप BP शुगर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में मिलती थी पहले दवाई, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है मेरे आने सर, के बाद। यहाँ हर आप चीज़ की दवाई मिल अभी जाती आप है। अकेले हैं, यहाँ आपके साथ नहीं है कोई। ANM की अभी क्या स्टाफ की कमी है, तो प्रभारी सर ने क्या ब्लॉक पे लेबर रूम में लगा रखा बहुत है जगह उसको। से देखते हैं, तीन तीन चार चार खाली ANM है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को खोजते हैं तो डॉक्टर जी कहेंगे ANM है, वहाँ तीन चार यहाँ पे लोग। स्टाफ की कमी, इसलिए अभी मैं यहाँ पे अकेले करता हूँ सारा काम। ANM है लेकिन उसकी ड्यूटी काम ब्लॉक पे लगा रखा है, डॉक्टर PSU। साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, किस चीज की आपको कमी चाहिए, क्या चीज आपको चाहिए। मैं यहाँ पे हर व्यवस्था सुविधा देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय की एम्पावर की कमी की वजह से मैं पूरा वो नहीं तो दे पाता सरकार हूँ। वो की है जिम्मेवारी है, वो तो जी आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं अभाव, कि हमको मान लीजिए हम नर्स चाहिए, ANM चाहिए, जो मान लीजिए आपको हेल्प करे, या कुछ जैसे मान लीजिए कोई लेडीज जी गर्भवती है या कुछ है, उसको तात्कालिक है, जी तो वो सब में तो थोड़ा सा एक फीमेल स्टाफ यहाँ पे फीमेल स्टाफ हो होना तो जरूरी है, बहुत 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 जरूरी काम है, बढ़ जाता है बहुत जरूरी है, जो जी। यहाँ नहीं है। मान क्यों लीजिए सब तो बड़ा आदमी नहीं है कि मान लीजिए यहाँ से ट्रैक्टर चला जाएगा, लेडिया चला जाएगा, और यहाँ वहाँ गरीब आदमी भी है, तो जी, गरीब के लिए ही हॉस्पिटल खुला है बिल्कुल। प्रधानमंत्री ये ने। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई स्कीम है, ये गरीब के लिए चलाई गई है, गरीब के लिए ही एक चलाया है। बेस बेस लेवल पे, जीरो लेवल पे गांव को सुविधा देने के लिए। जी यहाँ तो समझिए कि बहुत बड़ा ये वीक पॉइंट है यहाँ। यहाँ मान लीजिए ANM नहीं है, नर्स नहीं है, ये तो समझिए कि एसेंशियल है एकदम, सब जरूरी है कि तुरंत इमीडिएट चाहिए। ये इसीलिए कि महिला मान लीजिए पेशेंट अगर आवे तो आपसे शर्माएगी, आप भी शर्माएंगे, जी कुछ एक ऐसा चीज है। पहले फीमेल पेशेंट आती है तो तो फीमेल फीमेल पेशेंट के लिए तो जरूरी है, कोई जी गर्भवती है, गर्भवती है, कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, कुछ इस तरह से, हाँ, फीमेल स्टाफ की जरूरत रहती फीमेल है तो रहना जरूरी है। तो जी। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के सिविल सर्जन को, DM को, जो बड़े पदाधिकारी हैं, कि मान लीजिए यहाँ हमारे यहाँ क्या चाहिए आप। मैं सर यहाँ पे ब्लॉक पे कम से कम 2 बार पहले एप्लीकेशन दे चुका हूँ, इसलिए फीमेल जी स्टाफ के लिए। जी एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट में भी ये कंप्लेन दे चुका हूँ, लेकिन जी इसका समाधान नहीं हुआ है। जी तो फीमेल स्टाफ, ये से नियम रहता है 2 NM तो कम से कम होने चाहिए, कहीं कहीं पे 3 भी है, कहीं पे 4 भी है, जी लेकिन यहाँ पे एक है, उस एक की ड्यूटी भी यहाँ पे नहीं है, कहीं और लगा रखी है। तो अगर जी फीमेल स्टाफ के यहाँ पे अरेंजमेंट होता है तो जी बहुत अच्छा रहता है इस जी सुविधा में।
काम। तो इसी चीज का अभाव है आपको, बाकी आप सब कोई कभी नहीं देख रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं आप हो रहा है, नहीं बाकी ठीक सब कुछ ठीक है सब कुछ। फिर एक बार नाम क्या हुआ? लोकेश कुमार रावत है, मैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। धन्यवाद।